जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, ये 16 दिसंबर का फार्म न्यूज़ का इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के हम आए दोस्तों। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं और डेस्क एक्सटेंड कर दिया गया, तो लास्ट डेट क्या है, फीस जमा करने का लास्ट डेट क्या है, एरर प्रॉब्लम आए तो क्या करें, सम टाइम रॉन्ग बताए तो क्या करें, ऑफिशियल न्यूज़ लेकर क्या है। तो अगर चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। इसके बारे में पूरे डिटेल में हम आपको समझाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पब्लिक नोटिस है। पब्लिक नोटिस जो है कल ही रिलीज़ कर दिया गया है, यानी कि 27 तारीख को शाम को रिलीज़ कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इवेंट है, अर्लियल डेट है और फिर एक्सटेंड डेट है। और दोस्तों बात करें ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की, तो इसके पहले जो था दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहले तारीख था कि 28 तारीख तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। अब जो हमारा डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, आगे कर दिया गया। अब जो डेट है वो 31 अक्टूबर 2023 है और रात 12 बजे तक ऐसे ऑनलाइन आप कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट डेट फॉर सबमिशन एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से आप अपना फीस पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो 31 तारीख तक कर सकते हैं। पहले ये 29 तारीख तक आप कर सकते थे। अगर बात करें दोस्तों करेक्शन डेट की, तो करेक्शन डेट आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, अब जो पहले था वो 30-31 तारीख को था, अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया यानी बढ़ा दिया गया है, 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख नवम्बर 2023 में कर दिया गया, यानी 1 नवम्बर 2023 से लेकर के 3 नवंबर 2023 तक रात 12 बजे तक आप करेक्शन कर सकते हैं। लगभग 3 दिन आप इसे कर सकते हैं, 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख। ये पब्लिक नोटिस थी दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आए हैं, जैसा कि आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, कुछ क्वेरी है। क्वेरी की अगर बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी करेक्शन आपको करना है इसमें से आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर कैंडिडेट हु हैव वेरीफाई आधार, जिन्होंने आधार को वेरीफाई कर लिया है वो जो है यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि आप इसमें से कोई भी फादर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस और जो भी चीज़ें हैं जो आधार में सर्कुलेट की रहती हैं, मेंशन किया रहता है, दिया रहता है, उसमें से आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, इसमें से भी कुछ आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं, आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सरकारी हेल्थ का वेबसाइट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और एप्लीकेशन फ़ी है दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन बैंक जो हमारा एप्लीकेशन शुरुआत हुआ था दोस्तों, वो जो है 30 तारीख 9 महीना 2023 से स्टार्ट हुआ था, अब जो है इसका लास्ट डेट बढ़ा दिया गया है, 31 तारीख 10वां महीना कर दिया गया। अगर फीस पेमेंट की बात करें दोस्तों, 31 तारीख 10वां महीना कर दिया। करेक्शन विंडो की अगर बात करें दोस्तों, तो ये 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में कर दिया गया है दोस्तों। और फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आप जो है एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं, 1150 रुपये जनरल के लिए है और OBC EWS के लिए 600 रुपये, SC ST PH के लिए 325 रुपये कर दिए गए हैं दोस्तों। आप यहाँ पर कुछ फ़ोटो है देख सकते हैं, ऑफिस जो है आप इस चैनल से जो है UGC पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड दोनों का प्रिपरेशन आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। आगे बढ़ते हुए एक चीज़ और हम आपको बताते चलें, जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि जो है लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट आपको पता चल गया, और फीस जमा करने का लास्ट डेट क्या है तो आपको ये भी पता चल गया। अब एरर प्रॉब्लम आए तो क्या करें, एरर प्रॉब्लम की अगर बात करें दोस्तों, तो एरर प्रॉब्लम अगर आपके जो है डेस्कटॉप में आ रहा है या जो है मोबाइल में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, तो आपको सबसे पहले जो है 1 आवर का यानी 1 घंटे का आपको हिस्ट्री डिलीट कर देना। उसके बाद फिर से कुछ टाइम बाद जो है आपको जो है उसी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको फिर से जो है रजिस्टर वो जो है अपने फॉर्म को ऑनलाइन करना है, ठीक। अब बताएं कि जो है सम टाइम रॉन्ग बताएं तो क्या करें दोस्तों, ऐसा है कि जो है सम टाइम रॉन्ग इसलिए बता रहा है कि जो है उस वेबसाइट पर ज़्यादा जो है भीड़ हो जा रही है, यानी कि अगर बात करें तो उस वेबसाइट को लोग जो है ज़्यादा लोग एक्टिव कर ले रहे हैं, ज़्यादा लोग एक साथ फॉर्म फिल कर दे रहे हैं, तो जो है सम टाइम रॉन्ग बता दे रहा है। कुछ टाइम में जो है ये कुछ टाइम बाद जो है सही हो जाता है, तो 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आप जो है हिस्ट्री को 1 घंटे का हिस्ट्री डिलीट करके या जो है जो भी हिस्ट्री आप डिलीट करना चाहते हैं उसे आप जो है फिर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल करके, एप्लीकेशन नंबर को डाल करके आप फिर से जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वहीं से आप फिल कर सकते हैं जहां से जो है आप रोके हुए थे या आपका कटा हुआ था दोस्तों। तो ये थी जानकारी, जानकारी कैसी लगी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।